manifestation of glomerular inflammation. Glomerular nephritis is an inflammation of the glomerular capillaries. That means nephritic syndrome, आप समझ सकते हैं कि nephritic nephron type इसमें लिखा हुआ है, nephritic syndrome, यानी कि kidney से related ये disease है, जिसमें जो भी हमारे nephrons होते हैं, kidney के cells होते हैं, तो ये चीज़ आपको खुद से ही बताती है कि nephritic syndrome क्या कहलाता है. Syndrome का मतलब होता है कई सारे disease का एक. वेलकम टू नर्सिंग ला. मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेफ्राइटिक सिंड्रोम. देखते हैं इसकी डेफिनेशन है हमारी. एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन. ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. दैट मीन्स नेफ्राइटिक सिंड्रोम, आप समझ सकते हैं कि नेफ्राइटिक नेफ्रोन टाइप इसमें लिखा हुआ है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, यानी कि किडनी से रिलेटेड ये डिजीज़ है, जिसमें जो भी हमारे नेफ्रोन्स होते हैं, किडनी के सेल्स होते हैं, तो ये चीज़ आपको खुद से ही बताती है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या कहलाता है. सिंड्रोम का मतलब होता है कई सारे डिजीज़ का एक साथ में हो जाना, तो ये होता है हमारा नेफ्राइटिक सिंड्रोम. बाकी डेफिनेशन है हमारी, जो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन. यानी कि जो भी हमारे ग्लोमेरुलर्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट होती है, तो उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन सिम्टम्स में जो भी हमारा आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं. एंड ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन क्या होती है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिक इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. जो भी हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिक्स. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिक्स, नेफ्राइटिस. देन देखेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है. प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, मैंने बताया ना प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ है. करेक्टराइज बाई दी, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, मतलब इसमें कैसे करेक्टराइज करते हैं हम इसको, कैसे पता चलता है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम ही है, कुछ और नहीं है. इसमें कई सारी चीज़ें इकट्ठे आएंगी, मैंने आपको भी बताया कई सारे डिसऑर्डर्स आपको इकट्ठे झेलने पड़ेंगे. सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ डिजीज हो सकता है, होता है जैसे कि प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्ब्यूमिनिया, डिफ्यूज ऑडिमा, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपर लिपिडिमिया. तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है. देन इसके कॉजेज क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो देखेंगे. ऑटो इम्यून रिएक्शंस, ऑटो इम्यून रिएक्शन ड्यू टू एंटीजन, एंटीजन की वजह से जो भी ऑटो इम्यून रिएक्शंस होता है वो इसका कॉज हो सकता है. एंटीबॉडी रिएक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, अल्फा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, रीनल डिसऑर्डर, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, एग्जाम्पल डी पेंसिलिन और कैप्ट्रोपिल, अप्रिल, सिस्टमेटिक डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस, ल्यूकेमिया, एम्फाइजीमिया, कार्डियक फेलियर. और एक है हमारा की टर्म भी दी गई है हमारे यहाँ पे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के लिए, कि हमें अपना जो भी कीवर्ड दिया गया है नेफ्राइटिक सिंड्रोम को कैसे हम मतलब बता सकते हैं, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सिंड्रोम, क्या क्या ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं. प्लेस बताया गया इसमें, प्लेस है हमारा कीवर्ड, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटीन यूरिया लिपिड एचपी, यानी कि जिसे हम एचपी प्रोफाइल कहते हैं, हाइपर लिपिडिमिया, ए एल्ब्यूमिन डाउन, हाइपर एल्ब्यूमिनिया, कोलेस्ट्रॉल, एडिमा. ये हमारा कीवर्ड है कि प्लेस से हम इसको याद रख रहे हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. देन देखेंगे हम अपना पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. जैसे कि पहले ही बताया गया कि जो भी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल परमीएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन. जो ग्लोमेरुलर की बेसल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो परमीएबिलिटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है. देन प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन इज फिल्टर इन यूरिन. और उसके बाद क्या है, जो एल्ब्यूमिन है वो क्या होता है कि, यानी कि जो भी प्रोटीन या फिर एल्ब्यूमिन, वो क्या फिल्टर होने लग जाता है, यूरिन के साथ आने लग जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया. दैट मीन्स यूरिन में प्रोटीन का एक्सेस अमाउंट में आना या फिर ज़्यादा आना. ठीक है, देन देखेंगे कि डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल. सीरम एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखेंगे. डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल यानी कि हाइपर एल्ब्यूमिनिया हो जाएगा, हाइपर एल्ब्यूमिनिया हो जाएगा. लीवर
सिंथेसिस मोर लिपिड प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स हो जाएंगे, हाइपर लिपिडीमिया कोज होगा। हाइपर लिपिडीमिया के बाद क्या होगा, ड्यू टू एल्ब्यूमिन डिक्रीज इन ब्लड ऑन्कोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल्स ऑल्सो डिक्रीज, जो भी ये प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फ्लूड कम आउट टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस यानी कि जो भी वो अब बताया था, अभी परमीएबिलिटी जो लेयर होती है उसकी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है वो क्या होगा, इसका जो भी फ्लूड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, फ्लूड कम आउट टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, वहाँ से फ्लूड क्या बाहर आने लग जाएगा, देन क्या हो जाएगा वहाँ पे ओडिमा हो जाएगा, यानी कि इसमें ओडिमा कोज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, फ्लूड एक्यूमुलेट होने की वजह से ओडिमा हो गया। देन इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसमें ये सब कंडीशन देखने को मिल गए ना हमें, प्रोटीन यूरिया भी हो गया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया भी हो गया, ट्राइग्लिसराइड भी हो गया, हाइपर लिपिड में सब कंडीशन भी हो गए, बाद में ओडिमा भी हो गया, तो सब कंडीशन मिला के क्या क्या कहलाएंगी, हाइपर सॉरी नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ये हमारा कहलाएगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। देन देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, देखेंगे फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, फोर मेन सिम्टम्स ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या आता है, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्ब्यूमिनिया, हाइपर लिपिडीमिया, ओडिमा, ये सब चीज़ें हमें साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलेंगी। देन अदर्स में आता है SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, माइल्ड हेडेक, वीकनेस, मलेशिया, एनोरेक्सिया, वेट गेन, प्री ऑर्बिटल ओडिमा, इरिटेबिलिटी, एस्केटिक्स, HTN, एनीमा ड्यू टू लॉस ऑफ RBCs एंड फ्लैंक पेन, फटीग, ये सब कंडीशन हमें साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलेंगी डायग्नोस्टिक यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ड्यूरिंग टाइम पे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या कर सकते हैं, पाल्पेशन कर सकते हैं ड्यू टू एडिमा एंड एस्केटिक्स, किडनी नॉट पाल्पेबल, इस इन दोनों की वजह, एडिमा की वजह से, एस्केटिक्स की वजह से, एस्केटिक्स आपने पढ़ा था ना, यानी कि एस्केटिक्स यानी कि फ्लूड एक्युमुलेशन, जो भी हमारे पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूड एक्युमुलेशन हो गया है, ओडिमा हो गया है, तो क्या हो गया, पाल्पेबल नहीं हो रही है, जो भी हमारी किडनी है पाल्पेबल नहीं हो रही है। यूरिनलाइसिस देखेंगे, यूरिनलाइसिस क्या होता है, यूरिनलाइसिस हीमेटूरिया, प्रोटीन यूरिया, ब्लड टेस्ट, बर्न, सीरम कैरेटीन, सीरम प्रोटीन डिक्रीज हुआ है, सीरम कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज 200 mg से ऊपर हुआ है, नीडल बायोप्सी ऑफ किडनी, नीडल बायोप्सी करेंगे हम किडनी की, ECG, HKUV, एक्सरे, रीनल अल्ट्रासाउंड, रीनल स्कैन, इंट्रावेनियस यूरोग्राम IVU, ये सब हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में ऐड करेंगे, ये सब कंडीशंस हम ये सब चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे डायग्नोस करने के लिए, कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे हम अपनी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे हाइपरवोलेमिया, थ्रोम्बोइम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, रीनल फेलियर, पर्मनरी एडिमा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, हाइपरटेंशन, सेरिब्रल एडिमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब कंडीशंस हम मतलब कंडीशंस फॉर्म हो सकती हैं आफ्टर न्यूफ्रोटिक सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेशेंट के अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे फ्रेंड्स हम, इफ कॉजिटिव एजेंट, इफ कॉजिटिव एजेंट इज स्ट्रेप्टोकोकल देन ट्रीट विद दी पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स, यानी कि पेंसिलिन एंटीबायोटिक के थ्रू हम ट्रीट करेंगे जब स्ट्रेप्टोकोकल एजेंट वहाँ पे पाया जाएगा या उसका पॉजिटिव एजेंट होगा स्ट्रेप्टोकोकल। इफ ऑटो इम्यून रिएक्शन, अगर ऑटो इम्यूनी की वजह से हुआ, यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो भी पॉजिटिव एजेंट है कॉज की हिसाब से इन्होंने बताया कि उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट क्या रहेगा, इज द कॉज देन गिव इम्यूनोसुप्रेसिव, इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी देंगे, एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स वगैरह देंगे। देन आता है डायरोटिक्स, डायरोटिक्स कमने टू रिड्यूस ओडिमा, लैसिक्स फ्रूजोमाइड देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद आता है डाइटरी मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, डाइटरी मैनेजमेंट में हम करेंगे प्रोवाइड हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट टू पेशेंट इन कंडीशन ऑफ ओडिमा, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डाइट, अगर ओडिमा है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डाइट में। इफ़ डिजीज़ इन एडवांस स्टेज देन अवॉइड प्रोटीन इनटेक बिकॉज इट इज़ अ अफेक्टेड किडनी,
ये क्योंकि इसके वजह अगर हम उसमें हाई प्रोटीन देंगे तो क्या करेगा, वो किडनी को अफेक्ट करेगा। इसलिए अगर डिजीज़ आपके एडवांस स्टेज में है तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। नर्सिंग एंड मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, फ्लूड, सॉरी, फाइंड दी कॉजेज ऑफ नेफ्राइटिस, यानी कि नेफ्राइटिस का कॉज क्या है ये हम असेस करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। असेस स्किन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है स्किन की हमारे, असेस फ्लूड वॉल्यूम लेवल, असेस किडनी इन्फेक्शन, किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शंस को असेस करेंगे। देन आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्म करेंगे या बनाएंगे, असेस करेंगे रिस्क ऑफ, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, यानी कि डायग्नोस करेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इन्फेक्शन के, इम्यूनो सप्रेसिव अगर ड्रग दिए हैं तो उसकी वजह से क्या क्या इन्फेक्शन के रिस्क हो सकते हैं। फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस रिलेटेड टू ओडिमा एंड इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, अल्टर्ड किडनी फंक्शन रिलेटेड टू डिजीज एंड कंडीशन नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये है डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉर्मल डायग्नोसिस, इवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, डाइट, में सब चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी है और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके शॉर्ट नोट में, क्योंकि आपको मेडिकल सर्जिकल में इतना सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन लास्ट टाइम पे, लास्ट स्टेज पे आपको जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको शॉर्ट में ही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी इस नोट्स में। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, तो वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा एंड लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं रेनल स्टोन। थैंक यू फ्रेंड्स।